Thank you.
हरे कृष्ण आगे रख दो आगे साइड में ठीक मुँह घुमा मुँह घुमा उसका और घुमा हरि बोल अभी से शांति सुने हरे कृष्णा एक बार बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा इसको इसको कम कर दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम इसको कम कर दो हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे बताए गौर ब्रह्मानंद हरे हरे बोल हरे कृष्णा अब लोग बड़े सौभाग्यवान हैं उसका इको तेज कर दिया इको देव कौन सा हो हरे कृष्णा ये जो इको आ रहे हरि बोल हरे कृष्णा ठीक है छोड़ दो हो गया हरि बोल अब लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो सबके सब आप लोग गले में कंठी माला आप लोग तिलक लगाए हो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कहते ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज भगवान स्वयं अपना भक्त रूप गोस्वामी को कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में कौन आ सकते हैं बोले साधारण व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं आ सकते कहते हम भगवान को भूलते हुए अनादि काल से ठाकुर को भूल करके 14 ब्रह्मांड और ये 84 लाख योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं ऐसे भ्रमण करते 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 जान और अनजान में हमारी कुछ अज्ञात सुकृति बन गई सुकृति मतलब होता है जैसे पाप कर्म करो नर्क भोग करोगे फिर जब खत्म हो जाएगा फिर इधर आओगे पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओगे जब फिर पुण्य खत्म हो जाएगा फिर इधर आओगे ये दोनों चीज नष्ट हो जाती है कि तीसरी चीज होता है जिसको कहते हैं सुकृति सुकृति मतलब होता है कि जो पाप पुण्य ये शारीरिक संबंध है शरीर नष्ट होने पर जैसे शरीर नष्ट हो जाता है ये पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाती है लेकिन जो सुकृति है वो आत्मा संबंधी है अगर कोई भगवान के लिए नहीं तो उनकी कोई भक्त के लिए जो काम करते हैं कहते उसको कहते हैं सुकृति ये उत्तम कृति है ये कभी नष्ट नहीं होगा जैसे आप लोग भगवान का नाम ले रहे हो कीर्तन कर रहे हो तुलसी पूजा करते हो ठाकुर का आरती करते हो भगवान का नाम जप करते हो कहते ये सुकृति ये भगवत संबंधी ये आत्मा संबंधी जैसे आत्मा नित्य शाश्वत है उसी तरह ये वस्तु भी नित्य शाश्वत ये कभी नष्ट नहीं होता है ऐसे भ्रमण करते करते हमारे जान और अनजान में हमारी कुछ अज्ञात सुकृति बन रहे हैं बोले ये सुकृति का फल क्या है बोले ये सुकृति का फल है भगवत इच्छा से एक दिन संत दर्शन होता है जब जीवन में किसी संतो वैष्णव का दर्शन हो जाता है फिर क्या समझो समझो हमारी और ये संसार में हमें आना ही नहीं पड़ेगा फिर तो अपना घर में वापस चले जाएंगे अपना घर कहाँ पर है बोले भगवान के धाम में हम सबके सब वहीं के रहने वाले लेकिन चूंकि भगवान को भूलने का वजह से ये माया की संसार में आकर के हम लोग 14 ब्रह्मांड और 84 लाख योनि हम भटक रहे हैं इसलिए
आप लोग रामायण सुने होंगे, जब श्री हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते लंका में पहुंचे, हठात उन्होंने देखा तुलसी की बाग। बोले तुलसी की बाग जी तो किसी भक्तों के घर में होता है, ये तो लंका ये राक्षसपुरी है, यहाँ पर तुलसी की बगीचा कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने नीचे उतरे, इसका जो इको है ना तो जानते हो कर रहे हैं, कहते ये तुलसी की बाग तो किसी भक्तों घर में, हनुमान जी उसको देख करके नीचे उतरे। इसका मतलब है यहाँ शिक्षा देते हैं, घर में जरूर तुलसी का पौधा घर में हमारी होनी चाहिए। इसका आवाज तेज करो, इको पीछे होगा, पीछे के पीछे देखो, पीछे हाँ। इसका आवाज तेज करो, हरे कृष्ण, हाँ ठीक, हरि बोल, बढ़िया। इसलिए हनुमान जी नीचे उतरे, नीचे उतर करके फिर क्या देखा, सामने लिखा हुआ श्री राम, बोले तो मेरे प्रभु का नाम है। फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म है, हैं? तब यहाँ प्रश्न होता है, रावणपुरी में विभीषण रह करके कैसे भजन कर रहा है? वो तो लंकापुरी जो राम का शत्रु रावण है, फिर उनको बीच में ये फिर भजन कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर विभीषण बहुत एक अच्छी शिक्षा देते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको कैसे सबको अंदर में रह करके भक्ति करनी चाहिए। एक बार किसी ने चुगली कर दिया रावण को, बोले तू कहते हो राम तेरे शत्रु, बोले हाँ, बोले राम का तो सबसे बड़े भक्त तेरा ही घर में, बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया, बोले प्रमाण किया, बोले जाकर देख ले घर के सामने किया लिखा हुआ। अभी रावण भागते भागते आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम, बोले हे विभीषण तू मेरे छोटे भैया होकर के मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया? बोले कहाँ पर, बोले किया लिखा हुआ श्री राम। देखो विभीषण क्या उत्तर देता है, बोले कहाँ राम का नाम, बोले ये क्या लिखा हुआ, बोले मैं तो अपना भाभी भैया को ज्यादा प्रेम करता हूँ ना, इसलिए उनका नाम लिखा हुआ। बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या, रा, बोले भाभी का नाम क्या, मंददरी, उसका पहला अक्षर क्या, म, बोले क्या हो गया श्री राम, मतलब रावण और मद, विष्णु खुश हो गया। देखो इसी संसार में भी अगर बच्चे कोई गलत रास्ता में जाए ना, शराब पिए, सिगरेट फूके, लड़की बाकी कोई कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ी सी गले में कंठी तिलक लगा लो, देखना, बोले ये कौन सा बीमारी सब कंठी माला तिलक पहनी लगा ली। गलत रास्ता में जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सत मार्ग में जाओ, प्रभु की भक्ति मार्ग में ना, कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ गरुड़, भक्ति मार्ग में करो कांटा युक्त है, खुरोश धारा निशीत दुरतया दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती। इसलिए कभी लोग कहते जो भक्ति का मार्ग है ये अत्यंत अत्यंत ये करोड़ कांटा युक्त, जैसे तलवार ब्लेड के ऊपर चलना भक्ति के राज्य में चलना ठीक वैसे ही है। इसलिए हजार बाधा विपत्तियां आती हैं भक्ति जगत में हजार, इसलिए विभीषण इतने में हनुमान जी क्या किया, फिर सोच रहे हैं मेरे को तो कोई फिर भ्रमित नहीं कर रही, इधर लंकापुरी मायापुरी है, ऐसे नहीं तुलसी की पौधा श्री राम और शंख चक्र गदा पद्म किसने लगा दिया। तो उन्होंने अंदर में सूक्ष्म रूप धारण करते हुए प्रवेश किया, देखा वहां पर विभीषण के हर रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए पक्का राम का भगत है, क्योंकि कपट व्यक्ति का रोम रोम से कभी राम का नाम नहीं निकल सकता है, जो उनका सच्चा भक्त होगा उसी की रोम रोम से प्रभु का नाम निकलती है, समझ गए। फिर उनने बाहर आए, दरवाजा खटखटाए, फिर विभीषण हनुमान का साक्षात्कार हुई, फिर उसके अंदर में बात हुई। जब विभीषण को पता चला ये हनुमान जी कौन है, राम के एकनिष्ठ भक्त है, तो विभीषण कहता है बोले आज मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता। जो आज मेरे को कोई शंका नहीं भगवान राम प्राप्ति की है, क्योंकि राम के सबके प्यारे भक्त कौन, हनुमान जी का साथ में हमारे साक्षात्कार हो गया। इसका मतलब है भगवान हमें अभी जल्दी से जल्दी ठाकुर जी मिलने वाले हैं, लगता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, जैसे 32 दांत को जैसे जीवा रहती है ना, मैं भी चारी तरफ में राक्षस लोग घिरे हुए उसका बीच में मैं रह रहा हूँ, लेकिन इसको बीच में भी भगवान के प्यारे भक्त हनुमान का दर्शन,
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन देखो आज लगता है ठाकुर जी की मेरे ऊपर भी कोई विशेष कृपा है, जो कि यहाँ पर आज हमें हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया। इसका मतलब जल्दी जल्दी प्रभु मिलने वाले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रूप गोस्वामी को, बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त लता बीजी। कहते ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 बोले कौन भाग्यवान, बोले किसी सौभाग्यवान को ये दर्शन मिलता। बोले कौन मतलब, बोले जिसकी पूर्व पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म की जिनको कोई पुण्य उदय हुआ हो, कोई सुकृति उदय हुआ हो, तभी जीवन में ये साधु गुरु वैष्णव तभी दर्शन मिलते हैं, नहीं तो दर्शन नहीं मिलते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले जन ये पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन मेरा नाम को कौन ग्रहण कर सकता है, बोले सभी ग्रहण नहीं कर सकते। बोले जने पूर्व सत जन्मम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में बोले एक जन्म नहीं 100 जन्म तक जिसने मेरी अर्चन पूजा की, तब भी इसी जीवन में उसका जिह्वा से एक बार बोलो बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है, हैं? इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को भी यही बात कहते, बोले माँ मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है, बोले मेरे नाम को वही ले सकता है जिसने पूर्व जन्म में 4 काम कर चुका है। कितने काम कर चुके हैं, क्या क्या है देखो ठाकुर जी कहते हैं, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र बरतते नाम तुभ्यम। कहते संपूर्ण जिह्वा में नहीं, बोले जिह्वाग्रे बोले जिह्वा की अग्र देश में जो मेरे नाम को ग्रहण करता है उसका क्या समझो। लो अहो, अहो मतलब होता है जैसे कोई आश्चर्य चीज हम देख करेंगे ना, क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य हम कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं इसी जीवन में जो ठाकुर का नाम जब करते हैं कि ठाकुर स्वयं कहते बोले अहो, मतलब कितने पुण्यात्मा है जो कि भगवान का नाम को ले रहा है। बोले पूर्व जन्म में क्या कर चुके हैं, बोले 4 काम। बोले 4 काम क्या, बोले पूर्व जन्म में जितने तपस्या है पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब 600 करोड़ तीर्थ पूर्व जन्म में उसने सारे तीर्थ कर चुका है। तीसरा काम जगत में जितने दान पुण्य है सारे दान पुण्य पहले जन्म में स्कूल कॉलेज खोलना हॉस्पिटल खोलना है जैसे अन्न क्षेत्र खोलना दुखी दरिद्र को खिलाना, कहते जो प्रभु का नाम जप करते हैं ना वो पहले करके आए हैं, अभी करने का जरूरत नहीं उनको है। तीसरा चौथा काम पूर्व जन्म में जितने बड़े से बड़े जो यज्ञ हैं वाजपेयी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो पूर्व जन्म में कर चुके हैं, तभी इस जीवन में कोई भगवान का नाम को जप कर रहे हैं, भी कोई ले कर सकते है, सभी नहीं कर सकते प्रभु का नाम। आप लोग जो हरि नाम कर रहे हो ना वो साधारण मत समझो, लोगों को देखो बोलो थोड़ा ठाकुर का नाम लो, बोले समय नहीं, अब बैठ जाए ना उसकी छोरी को ये हो गया, उस घर में बहू बेटी की लड़ाई लग रही है, उसका छोरा ये कर रहा है, सारा दुनिया की अगड़म बगड़म बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बोलो भैया भगवान का नाम करो, बोले समय कहाँ है, सारे उल्टा पुल्टा चीज में समय दे सकते है लेकिन प्रभु का नाम जब नहीं कर सकते। ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, नाम जप करने का साथ साथ उसको 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, हाँ देखो क्या रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले पहला काम कहते जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले चित्रगुप्त कौन है, बोले सारे लेखा जोखा जो कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं ना है ये सारे चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके है, जो हम सोचते होंगे हम तो 4 तरफ में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहे हैं कौन देख रहा है, बोले नहीं दिन में सूर्य किरण है
वो सारे साखी है। रात को रात ये सब साखी, हम कोई भी काम को छुपा करके नहीं कर सकते हैं। सारे हमारे फोटो खींच रहा है, अब मरने के बाद सारे कापी खोलेगी हमने क्या पाप और कितने पुण्य किया हुआ है। लेकिन देखो प्रभु का जो नाम जप करते इसका कितना महिमा। जब महाराज चित्रगुप्त को कहते बोले कापी ले आओ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को यहाँ से काट दो, इसका नाम काट दो, बोले क्यों, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना और ये कभी नरक नहीं आएगा। तो दूसरा काम क्या है, बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती का थाला लेकर के सजाना शुरू करते हैं। बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, वो भूर भुव मोह जन तप सब लोग को पार करते हुए जो वैकुंठ विजय करेगा गोलोक वृंदावन उसको मैं रास्ता में आरती उतारूंगा, उसको मैं रास्ता में आरती उतारूंगा। बोले तीसरा काम क्या है, बोले तीसरा काम राधा रानी अपना सहेली सखी से कहती है बोले रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ लिख दो, व्यक्ति का नाम लिख दो, बोले किसी लिए, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना अब ये गोलोक वृंदावन में आएगा हमारी सहेली में सखी बन करके है, इसलिए इसका नाम लिख दो। इतने महिमा है जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम को जप करते हैं, इतने महिमा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को हैं, भाग्यवान जीव को क्या होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजी। महाप्रभु यहाँ उदाहरण देते हैं ये भक्ति एक लता है, लेकिन लता कब होगा, जब बीज होगा तभी तो लता होगा ना, बीज के बगैर थोड़ी कोई पौधा हो सकती है। लेकिन ये भक्ति की लता को बीज मिलेगा कहाँ से, ये बीज कहाँ से मिलेगा, बोले गुरु और कृष्ण प्रसाद में, गुरु और कृष्ण प्रसाद से ये भक्ति लता मिलेगी। कहते भैया हम तो गुरुदेव से भगवान का नाम तो गुरुदेव से लेते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण का नाम क्यों बताया, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, अरे यहाँ कृष्ण का नाम क्यों बताए, बोले इसलिए यहाँ पर कृष्ण का नाम पर बताए जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगा ना तब तक आप कोई शुद्ध भक्तों से मिल नहीं सकते, जब ठाकुर जी की कृपा होगी हाँ बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तब तक जीवन में आपको सत्संग शुद्ध साधु का दर्शन मिल ही नहीं सकता है, ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि कौन सचमुच से भक्ति करता नहीं करता हमको थोड़ी पता, हम तो ऊपर से तिलक कंठी देख कर समझेंगे तो बड़े बहुत बड़ा साधु है, आपने काल नेमी का नाम सुने हो, जिस समय हनुम श्री लक्ष्मण का लक्ष्मण को बाण लगा है, लक्ष्मण को बाण लगा वज्र प्रहार किया कौन, कहते श्री मेघनाद ने। इसलिए सुषेण वैद्य ने कहा अगर राता रात कोई पर्वत से है विशलकरणी ला सकता है वो जीवित हो सकता है। हनुमान गए, जब हनुमान गए बीच में रावण काल नेमी को भेज दिया, अरे काल नेमी के साधु का रूप धारण करके चला गया और बीच में रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। हनुमान जी बोले भैया मेरे गुरु भाई, ये बीच में मेरे गुरु भाई कहां से आ गए, हनुमान जी उतर करके आए लेकिन वो काल नेमी राक्षस था साधु बनकर बैठ गया। बोले देखो तेरे को मैं मंत्र दूंगा जो नहा करके आओ, लेकिन जब नहाने के लिए गए ना इतने में मगरमच्छ आक्रमण किया, जब हनुमान उसको मार दिया बड़े सुंदर एक अप्सरी रूप धारण किया। बोले देखो तेरे जो रास्ता में बाधक वो काल नेमी, वो देखने के लिए साधु, वो साधु नहीं काल नेमी बैठा हुआ रास्ता में बाधक, खबरदार उसको चक्कर में पड़ना नहीं, फिर तो हनुमान आकर के उसको मारे हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा ना तब तक नहीं तो हमें कोई शुद्ध साधु का दर्शन नहीं हो सकता है, नहीं तो उल्टा पुल्टा लोग मिल जाएंगे जो भक्ति नहीं करने वाले हमें उल्टा रास्ता जो दिखा देंगे, विशेषकर कलयुग में तो ऐसे ही है, जो उल्टा पुल्टा लोग हैं जो शुद्ध वैष्णव मार्ग में नहीं शुद्ध गुरु परंपरा जिनका नहीं अपने भूई फोड़ जैसे बीच में निकल करके भक्त जीवों को कभी कभी बहका देते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होगा ना हमें शुद्ध वैष्णव परंपरा मिलेगा, शुद्ध भक्ति रास्ता मिलेगा, शुद्ध वैष्णव हमें मिलेंगे जो कि हमें है सचमुच से भगवान की भक्ति को बारे में बताएंगे, अपना बारे में नहीं बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, ठाकुर जी को भक्ति करो, ठाकुर का नाम करो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की भजन करो, हाँ नहीं तो बोलेगा नहीं
सब कुछ गुरुदेव है, भगवान भगवान कुछ नहीं, स्वयं ठाकुर बनकर बैठ जाते हैं, हैं? लेकिन नहीं, जो शुद्ध परंपरा में आएंगे वो हमें भगवान की भक्ति की, राम की, कृष्ण की भक्ति की शिक्षा हमें प्रदान करेंगे। भगवान का नाम लो, ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर जी की भक्ति करो तो ठाकुर जी की कृपा मिलेगा। इसलिए कहते साधु गुरु प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरुदेव और भगवान की कृपा से वो भक्ति की जो बीज है तभी मिलेगा। पर यहाँ पर कहते साधु गुरु प्रसाद में, गुरु जी और साधु कृपा से क्या मिलेगा, भक्ति लता बीज मिलेगी। एक यहाँ जीव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, कहते जब तक वो शुद्ध साधु से हम भगवत नाम ग्रहण नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम किसी शुद्ध साधु से ही ग्रहण करनी चाहिए। बोले शुद्ध साधु से क्यों ग्रहण करें, तो इसका एक उदाहरण दिया। कहते कुछ ऐसे पेड़ है, कोई बोलेगा हम अपने आप क्या नाम नहीं जप कर सकते, फिर गुरु जी की क्या जरूरत है, अपने आप भगवान का नाम जप कर लेंगे, भगवान मिल जाएंगे। तब जीव गोस्वामी को उदाहरण देते हैं, ऐसे कुछ वृक्ष है जिसका बीज अगर आप डायरेक्ट पेड़ से लेकर के आप बोओगे ना, वो पेड़ नहीं होगा। हाँ, ऐसे कौन सा पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़, आप कभी भी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, कभी उसी पेड़ को नीचे कभी भी वो वृक्ष नहीं देखोगे। कहाँ दिखता है, किसी छत के ऊपर में, किसी पेड़ के ऊपर में दिखता ना, दिखना कभी कभी होता है, लेकिन उस पेड़ को नीचे कभी नहीं होता। बोले ऐसे क्यों, बोले कारण है वो वृक्ष उगने का एक कारण है, अगर वो बीज को कोई चिड़िया खा ले, फिर वो बीज चिड़िया के पेट में जाए, फिर जब वो बीट करता है, फिर तो देखना उसमें इतने ताकत आ जाती है, डायरेक्ट लेकर बोलो वृक्ष नहीं होगा, लेकिन इतने ताकत आ जाती है, देखना छत के ऊपर में जहां पर पानी नहीं, मिट्टी नहीं, कुछ नहीं, देखना छत के ऊपर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ हो जाता है ना, देखे होंगे, और ऐसे हो जाता है ना, पूरा दीवार को फाड़ देता है, वहां कुछ है ही नहीं, वो फाड़ देता है, पूरा पूरा दीवार को फाड़ देता है। बोले ऐसे क्यों, तब जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जब हम भगवान का नाम अपने आप नहीं, जब किसी शुद्ध साधु से ग्रहण करेंगे, हमारा हृदय में है, हमारा हृदय अनर्थ होने पर भी, हमारा हृदय बज्जत जैसे होने पर भी, भक्ति में कोई नहीं अधिकार नहीं होने पर भी, लेकिन जब किसी साधु का कृपा, संतों का कृपा हो जाए, हमारे सुखा हृदय में भी वो भगवत भक्ति की संचार कर देंगे। जैसे श्री नारद जी, आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने हो, ये वाल्मीकि पहले क्या था बताओ, ये दस्यु रत्नाकर था, मारपीट करता था, डाकू डालता था। जब नारद जी से मिले, बोले बाबा निकालो क्या माल गोड़ी तेरे पास में, बोले भैया हम तो संत है, हमारे कहते मेरे पास में क्या है, मेरे पास में तो कुछ है नहीं, है लोटा लंगोटे और कमंडलो और तो कुछ है ही नहीं, है बोले जो कुछ और निकाल दो। बोले ये बताओ तुझे ये पाप कर्म करके अर्थ कमाते उसका कौन फल भोग करेगा, बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, बोले देख ये सब के सब तेरे सुख में मदद कर रही, दुख में कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हारी पाप नहीं लेगा। पूछ कर क्या भैया, पूछने के लिए अपना पत्नी से पूछा, ये जो पाप कर्म करके पैसा कमाता हूँ तू अंशीदार बनोगी कि नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। तब उन्होंने बच्चों से पूछे, बोले क्यों, अब तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमको बड़ा बनाना, जब फिर हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर सोचेंगे। फिर उन्होंने पूछा पिता माता को, मेरे पाप लोगे कि नहीं, बोले क्यों लेंगे, हम तुमको जन्म दिया, लिखा पढ़ा सिखाया, बड़ा किया, किस लिए बड़ा किया, हमने कैसे पैसा कमाया हमें बता, तू कैसे पैसा कमाते हो हमें पता नहीं, तू कैसे पैसा कमाते हो। देखा नारद तो सही बोल रहे थे, तो नारद तो सही, फिर वापस आया, बोले बाबा आप तो सही बोले कि सबके सब सुख में दिख रहे, फिर दुख में कोई रहने वाले नहीं, बता मेरे कल्याण कैसे होगा। बोले एक काम करो, भगवान का नाम लो, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम निकला नहीं। बोले क्यों, बोले जो पापी होते हैं ना उनका मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है, जो पुण्यात्मा होते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों का जिनकी सुकृति है, वही भगवान का नाम को वही ले सकते हैं। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ, आप लोग बोलो तो मरा मरा, सबके सब जोर से बोलो, बोलो जोर से, राम राम हो गया ना, मरा मरा बोल नहीं पाए,
बोल नहीं भाई ना, इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करा सुमन मन माई है। इसलिए भगवान का नाम उल्टा लेने पर भी बास ब्रह्म जैसे बन गया। आप देखे होंगे लव कुश देखे होंगे ना आप लोग ने टीवी में, कहते राम आने से पहले रामायण लिख दिया। इसलिए गोस्वामी जो उदाहरण देते हैं, जैसे खेती में गेहूं के बीज बोते हैं ना, आप लोगों का खेती किए होंगे, जैसे बीज को क्या करते हैं, ऐसे खेत में फेंक देते हैं, लेकिन वो उल्टा पड़े लेकिन सुलटा पड़े, लेकिन पेड़ जब होता है कैसे होता है, सीधा होता है। इसलिए भगवान का नाम अगर हम किसी तरह से भी प्रभु का नाम को लेंगे, लेकिन इसका जो फल है ना उल्टा सुलटा नहीं होगा, फल सीधा होगा। इसलिए कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान राम भी स्वयं अपना नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। इसलिए मीरा कहती क्या, बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा है। इसलिए आप लोग सबके सब ठाकुर का नाम करो, हमारे जो प्रभु जी, क्या नाम आपकी, वृंदावन चंद्र ठाकुर। देखो नाम कितना प्यारा नाम है, वृंदावन चंद्र तो कन्या कृष्ण है, इसलिए कहते हैं वृंदावन वृंदावन चंद्र दास है, वृंदावन चंद्र दास हम ठाकुर जी की दास सेवक है। इसलिए प्रभु जी आप लोगों को भगवान की भक्ति की बात बताते हैं, भगवान की भजन की बात बताते हैं, ठाकुर जी के नाम की आप लोग सबके सब आना, ठीक है ना, मंदिर में आना, हरि कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, तिलक लगाओ, कंठी गले में पहनो। जब महाराज स्वयं कहते हैं, बोले देखो किसको किसको मेरे पास में ले आओगे, बोले जिसकी गला में तुलसी कंठी, बोले ललाटे तिलकम नास्ती, जिसकी ललाट में तिलक नहीं, बोले कंठ नास्ती त्रिकंठी का, जिसकी गले में तुलसी की माला नहीं, हृदय नास्ती गोविंद, जो भगवान के नाम नहीं जप करते हैं, तान अनधम, उन लोगों को लेकर क्या, इसलिए गले में तुलसी कंठी रहेगा ना, अगर तिलक रहेगा ए छाप पड़ गया। कहते ना जब तक आप विदेश जाने के लिए चाहते हो पासपोर्ट वीजा होनी चाहिए, ये पासपोर्ट वीजा किया, पासपोर्ट गले में कंठी तिलक तुम्हारी वीजा बस, और टिकट की जरूरत है, टिकट क्या है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। बस अगर तीन चीज हो ना, तुमको भगवान का धाम से कोई जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, सीधा आपने बन गया वीजा, बन पासपोर्ट बन गया, कहाँ जाओगे बोलोगे भाव में। इसलिए ये तीन चीज को हर समय ठीक रखना, ठीक है, क्या करना, गले में जरूर तुलसी कंठी पहनो, तुलसी कोई लकड़ी नहीं, ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, कृष्ण भक्ति प्रद देवी, ये भगवान की लक्ष्मी साक्षात, और तुलसी में भगवान बांके बिहारी का निवास है। इसलिए गले में तुलसी कंठी पहनो और तिलक लगाओ, ठीक है, ये गोपियों की चरण धूली, कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दो ठाकुर का चरण है, उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर जी की चरण में जैसे तुलसी पता देते है ना, ये ऐसे श्री ये तुलसी पता है। इसलिए सबके सब गले में कंठी तिलक और भगवान की नाम को जपा करना, ठीक है ना, ठाकुर का नाम जप करना, और यही अंतिम समय में हमारी काम में ठाकुर का नाम ही आएगा, और कोई चीज हमारी काम में नहीं आने वाले है। इसलिए एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन करते हो एकादशी व्रत, हाथ उठा सो कैसे हो, कौन कौन एकादशी व्रत करते हो, हाँ जो रखते हो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं रखते हो ना, आज से आज एकादशी, आज एकादशी, देखो ये जो एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है, कौन सा व्रत है, कल्पतरु व्रत मतलब क्या है, कल्पतरु मतलब होता है जिस वृक्षों को नीचे बैठ करके आप जो सोचो जो मांगो वो वृक्ष वही दे देता है, उसको कहते हैं कल्पतरु। देखो जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बुध अलग अलग व्रत रखते हैं, उसका एक एक फल, लेकिन एकादशी ऐसे के व्रत है जिसमें सारे व्रत का फल मिलता है। एक एकादशी का नाम है पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जो पुत्र प्रदान करता है, नंद बाबा के घर में संतान नहीं था, कृष्ण नहीं थे, उनने सारे यज्ञ तपस्या कर चुके थे लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था, बोले हमने तो सारे व्रत रखा लेकिन अभी तक हमने एकादशी व्रत नहीं रखी,
हम चलो ये कौन सा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं। जब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखे ना, घर में कृष्ण जन्म हुए। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर वो एकादशी व्रत करोगे ना, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा, खूब माल आएगा घर में, खूब पैसा आएगा, इसलिए उसका नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब जिनके घर में अन्न की कमी है, अगर वो एकादशी रखोगे ना, खूब अन्न सस्य आएगा। एक का नाम मोक्षदा, मतलब जिस व्रत करने से संसार की चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, पाप मोचनी मतलब क्या, जो एकादशी व्रत रखने से जीवन का जितने पाप, हम क्यों दुखी संसार में, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बीवी से, कोई बेटा से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, दुखी दुखी संसार में, किसने दुखी, इसको पाप का फल है। लेकिन एकादशी व्रत रखोगे ना, तुम्हारे सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हर एकादशी की आप देखोगे अलग 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 अलग, हर एकादशी की अलग अलग सब नाम, मतलब एकादशी व्रत को द्वारा सब कुछ मिलेगी। अब विशेष करके जो एकादशी, ये भक्ति जननी, ये भगवान की चरण में ये भक्ति देने वाले, प्रेम देने वाले, ठीक है ना। सबके सब एकादशी व्रत रखी हो, जो रख रहे तो बहुत अच्छी बात हो, जो नहीं रख रहे हो आज से शुरू कर दो। एकादशी व्रत कभी से भी शुरू कर सकते हो, जो नहीं करते हो आज से एकादशी व्रत रखो, ठीक है। और भगवान की भजन करो, भक्ति करो, मंदिर में आया करो, सत्संग सुनो, प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, कथा सुनो, भक्ति में जुड़ो और खूब आनंद में रहो और भगवान की भजन करो, ठीक है। बोले निताई गौर प्रेमानंद वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर प्रेमानंद। एक मिनट कीर्तन कर दो, बोले हरे कृष्ण। एकादशी है ना, एकादशी मतलब होता है 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। आज अगर एक नाम करोगे ना, 100 नाम करने का फल मिलेगा। नियम है एकादशी का दिन जितने हरि नाम करते हो थोड़ा ज्यादा हरि नाम करनी चाहिए, ठीक है। सब ताली बजाती है, बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग Krishna Krishna Hare 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 Hare
Hari Bol, 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 Hari Bol,